तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं हंड्रेड डेज एज एन ईवोकर एंड आज इवोकर बन के हमें बहुत सारे काम करने हैं जहाँ पे हमें अपने लिए एक टोटम क्राफ्ट करना है साथ ही हमें अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है हमें अपने लिए एक फुल्ली इंटेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है एंड आखिर में एंड में जाके हमें एंड ड्रैगन को हराना है तो क्या हम इवोकर बन के ये हंड्रेड डेज सर्वाइव कर पाएंगे वो भी हार्ड कोर में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस डे वन को मैं स्पॉन हो चुका था इवोकर बन के एक वुडलैंड मेंशन के अंदर जहां पे मैंने देखा कि मेरे सामने एक और एक इवोकर भाई मेरा खड़ा था जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई एंड उसके बाद मैंने मेंशन से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं हमेशा की तरह अपने लिए बेसिक से टूल्स बना सकूँ एंड उसके बाद मैंने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक बटन की पिक और एक वर्डन की एक्स बना लिया एंड उसके बाद मैं गैस अपनी पावर्स को चेकआउट करने लग गया और मैंने देखा कि मेरे पास सेम इवोकर जैसी पावर है जिसकी हेल्प से हम इजिली किसी भी मॉप को मार सकते हैं एंड आगे मुझे यहां से काफी सारे बुशेट मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले क्योंकि इसकी हेल्प से हम इजिली फ्यूचर में एक इंजनमेंट टेबल सेटअप कर सकते थे एंड क्योंकि गैस हम लोग इवोकर बने थे हमारे पास एक टोटम होना बहुत ज्यादा जरूरी था एंड अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक इवोकर ही टोटम दे सकता था इसलिए मैंने छुपके से एक इवोकर को मार के उससे टोटम ले लिया सांप को पाल रहा था एंड आगे मुझे और भी काफी सारे मेरे इवोकर भाई मिले जिनके साथ मैंने सेल्फी ले लिया थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ गन पाउडर मिले कुछ ब्रेड्स मिले और एक डिस्क मिला एंड उसके बाद एक एक करके मैं सारे कमरों को चेकआउट करने लग गया ताकि मुझे कुछ अच्छी सी लूट मिल सके बड़े कमरों में कुछ भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कचरा ही रखा हुआ था बट तभी चलते चलते मुझे कमरे में यहाँ से काफी सारा वुल मिल गया जिसे मैंने ले लिया ताकि मैं इसकी हेल्प से अपने लिए एक बेड बना सकू एंड उसके बाद चेयर के पास मुझे काफी सारे कोविड स्टोर मिल गए जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया ताकि मैं अपने सारे टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर सकू एंड उसके बाद काफी सारे कोविड स्टोर माइंड करके मैंने अपने लिए स्टोन की पिक एक्स और स्टोन की एक्स बना लिया थोड़ा आगे बढ़ते गैस मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा इंडिकेटर के फेस का स्टेच्यू मिल गया जहाँ पे पहुंच के मैं इसकी नाक को तोड़ने लग गया ताकि से मुझे कुछ तो अच्छा सामान मिल सके बट यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इन्होंने मुझे सिर्फ ऐसी बाहर का रास्ता दिखा दिया अरे रही चलते चलते मैं एक कमरे में पहुंच गया जहाँ पे पहुंच के मुझे ऐसे थोड़ा बहुत आयरन मिल गया जिसे मैंने ले लिया साथ ही यहाँ से मुझे एक एनविल भी मिल गया जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया एंड इसी के जस्ट सामने यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल गई जिसके अंदर से मुझे एक बकेट मिल गई कुछ बोन्स मिल गए कुछ लीड मिल गए एंड और मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला इसलिए मैं सीधे निकल के मेंशन से बाहर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके अच्छी लूट कलेक्ट करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे मैंशन के जस्ट सामने यहाँ पे एक रुइन पोटर मिल चुका था जिसके पास मैं फटाफट से चले गया रुइन पोटल के पास पहुंचते ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे गोल्डन चेस्ट प्लेट मिली एक गोल्डन हेलमेट मिला दो गोल्ड की पिकेक्स मिल गई एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे पे एक बड़ी सी केव मिल चुकी थी जहाँ पे पहुंच के मैंने देखा ये तो एक बड़ी सी लश केव है मैं फटाफट से केव के अंदर चले गया केव के अंदर पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ से काफी सारा कोल मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया एंड कोल माइन करके मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए कुछ टोर्चेस बना लिए के मैं आगे बढ़ते बढ़ते मुझे और भी भर भर के काफी सारा कोल मिला जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन कर लिया एंड कोल के साथ ही मुझे आगे भर भर के काफी सारा आयरन भी मिल गया जिसे में मैंने फटाफट से माइन कर लिया ताकि मैं अपने सारे टूल्स को आयरन में कन्वर्ट कर सकू एंड काफी सारा आयरन काफी सारा कोल माइन करने के बाद मैं में आगे बढ़ता गया एंड तभी मैंने देखा गया मेरा खाना काफी ज्यादा कम हो चुका था एंड अभी के लिए मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मुझे मजबूरन ग्लोबेरीज को तोड़ के खाना पड़ रहा था जिससे हेल्थ काफी ज्यादा कम बढ़ती है बट अभी के लिए फिर भी ये इनाफ है इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ ग्लोबेरीज को तोड़ के अपना पेट भर लिया एंड आगे मुझे कुछ और कोल मिले जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक फर्नेस बनाया एंड जितना भी आयरन मेरे पास था उन सबको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड जैसे मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था मैंने फटाफट से अपने लिए एक आयरन की शोर कारण की पिक एक्स एक एक्स और एक शॉवल बना लिया एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक बेड भी बना लिया था सब बेटा एंड जो मेरा आयरन बच चुका था उसकी हेल्प से मैंने अपने एक आयरन की हेलमेट एक चेस्ट प्लेट और एक लगे बना लिया मैं बूट नहीं बना पाया केव मैं थोड़ा की बढ़ती मुझे काफी सारे लजूली मिल गए जिसे मैंने माइन कर लिया ये अपने को इंच के टाइम पे काम आएगा एंड आगे बढ़ते मुझे और भी भर भर के काफी सारा आयरन मिला जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन करते गया ताकि मैं फटाफट से अपने पूरे आयरन के आर्मर को कम्प्लीट कर सकू एंड तभी गए चलते चलते मुझे यहाँ पे एक का जोड़ मिल चुका था मैं फटाफट से जोड़ के अंदर चले गया एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने देखा यहाँ से गए हमें एक भी एमितिस का क्रिस्टल नहीं मिला मुझे एक स्पाइक ग्लास बनाना था बट से मुझे एक भी इसके क्रिस्टल नहीं मिले <laughs> और उसके बाद में थोड़ा बहुत और डीप चले गया ताकि मुझे और भी भर भर के काफी सारे रिसोर्सेज मिल सके एंड थोड़ा आगे बढ़ते गया मैंने देखा यहाँ से मुझे कुछ डायमंड दिख चुके थे एंड साथ ही यहाँ पे लैपिस भी था मैंने फटाफट से यहाँ से डायमंड को माइन करना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ से मुझे टोटल तीन डायमंड मिले एंड साथ ही मुझे यहाँ से कुछ लैपिस लजुल भी मिले जिसे मैंने माइन कर लिया एंड ऊपर पहुंचते ही यहाँ से मुझे भर भर के काफी सारा गोल्ड मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया एंड सारे गोल्ड माइन करने के बाद मेरे पास जितना भी आयरन था उसे मैंने फिर से स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड आयरन स्मेंट होते ही मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए नए आयरन के बूट्स बना लिए एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली आयरन का आर्मर आ चुका था एंड काफी दिनों की माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ चुका था एंड ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए nice. नई जगह सुबह होते हैं यहाँ से मुझे तो कुछ शुगर केन्स मिल गया जिसे मैं फटाफट से ले लिया ये अपने को फ्यूचर में काम आएगा एंड उसके बाद गया मैं यहाँ से खाना को कलेक्ट करने लग गया वो भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्योंकि मेरे पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सारे मॉप को मारने लग गया एंड उसके बाद जितना भी खाना मैंने कलेक्ट किया था उसे मैंने कुक करने के लिए रख दिया एंड जैसे मेरा सारा खाना कुक हो चुका था अपना बोरा बिस्तर उठा के मैं फिर से आ चुका था अपने में एंड उसके बाद मैंने अपने लिए कमरा चूज कर लिया एंड वहाँ पे पहुंच के मैं सारे एरिया को क्लीन करने लग गया एंड पूरा एरिया क्लीन करने के बाद मैंने दो चेस्ट लगाया एंड जितना भी सामान मेरे पास था उन सबको मैंने चेस्ट

करके सारे विलेजर्स को निपटा दिया एंड कुछ ही देर में गैस पूरा का पूरा विलेज खाली हो चुका था एंड हम रेड भी जीत चुके थे एंड जीत की खुशी में हमारे सारे भाई बंधु यहां पे नाचने लग गए रेड खत्म होने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ से कुछ पोटेटो मिल गए एंड साथ ही मुझे भर भर के काफी सारे हेबल्स भी मिल गए एंड थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ पोटेटो मिले कुछ एप्पल्स मिले एंड कुछ एमरेट्स मिले एंड आगे बढ़ते मुझे और भी भर भर के काफी सारे हेबिल्स मिले साथ ही मुझे भर भर के काफी सारे कैरेट्स मिले वीट मिले जिनको मैंने फटाफट से ले लिया एंड साथ ही मुझे पे क्लेरिक का टेम्पल मिला जहाँ से मुझे एक ब्रोइंग स्टैंड मिल गया एंड उसके बाद जितने भी मैं वीट कलेक्ट करके लेके आया था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए एंड तभी मुझे अपने विलेज के जस्ट पीछे वाले साइड पे यहाँ पे एक और रोइन पोडर मिल चुका था जिसकी चेस्ट में यहाँ से मुझे कुछ फ्लिंट मिल गए एक गोल्ड की मिल गई, एंड साथ यहाँ से मुझे गोल्ड का ब्लॉक भी मिल गया एंड उसके बाद जो फ्लिंट मिला था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए स्टील बना दिया, और उसकी हेल्प से मैं एक एक करके सारे विलेजर के घर को जलाने लग गया एंड थोड़ी देर में गए यहाँ पे पूरा का पूरा विलेज जल के खाक हो चुका था मजा आया एंड काफी अच्छा काम करने के बाद मैं फाइनली अपने मेंशन में आ चुका था जहाँ पे पहुंच के मेरे पास जितना भी सामान था उन सबको मैंने फटाफट से चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया एंड उसके बाद मेंशन के बाहर आके मैं कुछ डर्ट को कलेक्ट करने लग गया ताकि मैं अपने लिए छोटा सा फार्म बना सकू एंड उसके बाद मैंने अपने लिए कमरा चूज किया जहाँ पे मैं अपने फार्म को बनाने वाला था एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने पूरे कमरे को क्लीन कर दिया एंड वहाँ पे मैंने एक एक करके अपने फार्म को बनाना स्टार्ट कर दिया एंड मैं ज्यादा बड़ा फार्म बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ज्यादा चीजें थी नहीं मेरे पास कुछ ही सीड्स थे कुछ ही कैरेट्स और पोटेटो थे जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए छोटा सा फार्म बना दिया एंड कुछ ही देर में गए हमारा छोटा सा प्यारा सा फार्म भी पे बनकर रेडी हो चुका था एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक नए डायमंड की बना लिया ताकि मैं को माइन कर सकू एंड उसके बाद मैं फिर से आ चुका था उसी केव में एंड पे पे पहुंचे मुझे एक बड़ा सा लावा का पूल मिल चुका था पे मैंने फटाफट से पानी डाल दिया एंड उसके बाद एक एक करके मैंने सारे ऑक्सीडन को माइन करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना सकू एंड थोड़ा बहुत ऑप्शिडन माइन करने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना दिया एंड उसके बाद जो मेरे पास फ्रंट एंड स्टील था उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से पोर्टल को लाइटअप कर दिया एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए नेदर में गई मैंने देखा कि मेरा स्पॉन पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि मैं स्पॉन हो चुका था क्रिमसन में जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड उसके बाद मैंने अपना नेदर में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पे मुझे बड़ा सा एक ब्लास्टोन का बेस्ट मिल चुका था बेस्ट के अंदर पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ से दो गोल्ड के ब्लॉक मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया एंड उसके बाद आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक इंशन मिला और कुछ मैगमा क्रीम मिले और कुछ मुझे ज्यादा मिला नहीं इसलिए मैं सीधा आ चुका था ट्रेजर रूम में ट्रेजर रूम में पहुंच के मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक थे जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोरना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे लिटरली

मुझे कुछ और चेस्ट मिले जिसके अंदर से मुझे कुछ मैगमा क्रीम्स मिले कुछ गोल्डन एप्पल मिले एंड साथ ही मुझे यहाँ से क्रॉसबो और कुछ और स्ट्रिंग मिले एंड इसी के जस्ट बाजू वाले कमरे में यहाँ पे डबल चेस्ट रखी हुई थी जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड की पिकेक्स मिल गई वो भी मैस इन वाली एंड यहाँ से मुझे और भी काफी सारा सामान मिल चुका था एंड चलते चलते फाइनली मुझे यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल भी मिल चुका था जिसके जरिए मैं सीधा निकल गया ओवर वर्ल्ड के लिए एंड उसके बाद मेंशन पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने लिए दो चेस्ट बनाया एंड उसके बाद एक एक करके मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया एंड क्योंकि गैस हमारा टोटम भी यूज हो चुका था एंड अब हमें एक टोटम की जरूरत थी इसलिए मैंने फटाफट से टोटम की रेसिपी देखा एंड लकी ने मेरे पास सारा सामान ऑलरेडी था इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए अपना पहला टोटम बना लिया जिसको बनाना काफी ज्यादा आसान था एंड मेरे पास कुछ और भी सामान था इसलिए मैंने अपने लिए सेफ्टी के लिए एक और एक टोटम बना लिया एंड तभी गैस मैंने देखा कि मेरे आर्मर की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है एंड मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए आयरन की चेस्ट प्लेट और एक आयन की लेगिंग्स लिया एंड तभी मैंने देखा कि मेरा फार्म भी रेडी टू तो हार्वेस्ट हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ से फटाफट से सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया एंड उससे मुझे जो भी सीड्स मिली उसे मैंने वापस से रिप्लांट कर दिया एंड अब बारी थी थोड़ी बहुत और अच्छी लूट को कलेक्ट करके लाने की इसलिए मैं सीधा निकल गया था इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एंड चलते चलते गए केस दिख रहा था जिसके अंदर आयरन गोलम बंद था जिसको देख के मैं साफ समझ चुका था की यहाँ पे आस पास कहीं पेलेजर आउटपोस्ट है एंड तभी यहाँ पे मुझे पानी के बीच बीच अपने भाई लोग का अड्डा यानी कि पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका था एंड क्यूँकी ये आयरन गोलम हमारे भाई लोग के दुश्मन थे इसलिए मैंने फटाफट अटैक करते हुए आयरन गोलन का गेम यहीं पे खत्म कर दिया एंड उसके बाद मैं फटाफट से प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर चले गया जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे क्रॉसबो मिली कुछ पोटेटोज मिले कुछ कैरेट्स मिले एंड कुछ एरोज मिले एंड तभी गाय पे काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है एंड अपने भाई लोग यहाँ पे पानी में इजिली आराम कर रहे थे वॉटर एंड तभी गैस मैंने सोचा कि ये आउटपोस्ट पानी के बीचों बीच है तो क्यों ना ओशन को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक बोर्ड बना लिया एंड उसी बाद बोट में बैठ के मैंने फटाफट से अपने भाई लोग को अलविदा बोल दिया एंड यहाँ से मैं सीधा निकल गया ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए चलते चलते गए मुझे पानी के नीचे कुछ दिख रहा था जहां पे नीचे उतर के मैंने देखा यहाँ पे एक शिप रक थी मैं फटाफट से शिप रक के पास चले गया जहाँ पे एक चेस भी थी मैंने जैसे तैसे करके चेस को चेकआउट किया जिसके अंदर से मुझे एक बड़ी ट्रेजर का मैप मिला एंड साथ ही मुझे यहाँ से एक बुक भी मिली एंड उसी बाद मैंने फटाफट से ट्रेजर के मैप का लोकेशन चेकआउट किया जो की अपने से काफी ज्यादा नजदीक था इसलिए मैं फटाफट से लोकेशन पे पहुंच गया एंड वहाँ पे पहुंच के मैं डिगिंग करने लग गया ताकि मुझे ट्रेजर का चेस्ट मिल सके एंड थोड़ी देर में यहाँ पे मुझे फाइनली चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला एंड इसी तरीके से मैं ओशन में आगे बढ़ी रहती थी कि तभी क्या मुझे यहाँ पे सामने एक बड़ा सा शिप मिल चुका था जो की टोटली पानी के बाहर था बट यहाँ तक पहुंचने तक ऑलरेडी यहाँ पे रात होने वाली थी एंड लकी मुझे यहाँ पे कुछ शिप्स मिल गए जिनको मार के मुझे यहाँ से वो मिल गया एंड इसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बेड बना लिया एंड मैं सीधा चले गया सोने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे की सुबह उठ मैंने शिप रेक को चेकआउट किया जहा पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक और एक ट्रेजर मैप मिला एंड दूसरे चेस्ट में से मुझे कुछ पेपर्स मिले कुछ बैंबूज मिले एंड कुछ पोटेटो मिले एंड ये ट्रेजर का लोकेशन हमारे शिप्रेक के जस्ट बाजू में था जहाँ पे थोड़ा बहुत डिगिंग करती फाइनली मुझे चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिला एंड कुछ और चीजें मिली एंड इस तरीके से घूमते घूमते गायस मैप पहुंच चुका था माइंड के सबसे रेयर वाले बायोम में जो था मशरूम बायोम एंड गायस ये वाला बायोम काफी ज्यादा प्यारा होता है क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े बड़े मशरूम्स होते हैं एंड साथ ही यहाँ पे प्यारे प्यारी मशरूम काउस भी होते जो की हमें मशरूम स्ट्यू देते इसलिए मैंने अपने लिए कुछ वुडन के बना लिए उसके बाद मैं मशरूम स्टू ले रहा था बड़े कोई भी का स्टू देने के लिए रेडी नहीं थे क्या पता शायद हम इवो करते कुछ भी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया एंड मैंने एक एक करके यहाँ पे जितने भी काउस थे उन सबको मैंने मार दिया एंड इसी तरीके से घूमते घूमते गायज मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट वाला बायो मिल चुका था जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ती है मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेंपल मिल चुका था मैं फटाफट से डेजर्ट टेंपल के अंदर चले गया एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सी एम करी जाए बट गाइज मैं जैसे नीचे उतरा मैंने देखा कि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था क्या पता यहाँ पे मैं बार बार बचा मैं सीधा टू एंड हाफ आर पे बचा यहाँ एंड जैसे मैंने एरिया को लाइटअप किया मैंने देखा ऑलरेडी यहाँ पे टी टी फट चुके थे यानी कि हमारा पूरा का पूरा लूट यहाँ पे फट चुका था अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या इसलिए मैं सीधा निकल गया एक और एक बढ़िया सा डेजर्ट टेंपल को ढूंढने के लिए जहाँ पे थोड़ा की बढ़ती है लकीली मुझे यहाँ पे एक और एक डेजर्ट टेंपल मिल चुका था एंड जब मैंने नीचे जाके चेकआउट किया लकीली यहाँ पे चेस्ट भी थी जहाँ पे पहले चेस्ट में से मुझे यहाँ पे कुछ एमर्रेल्ड मिले कुछ गन पाउडर मिल गए दूसरी में से मुझे पावर टू की बुक मिली साथ ही मुझे यहाँ से कुछ रोटन फ्लैश मिले तीसरी में से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला एंड लास्ट वाले चेस्ट में से गए मुझे यहाँ पे दो डायमंड मिल गए एंड साथ ही एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया एंड इतनी सारी तकड़ी मचाने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से एक और एक विलेज मिल चुका था जो कि था एक टाइगर विलेज एंड यहाँ पे पहुंच के हमने फिर से रेड करवा दी एंड यहाँ पे भी हमें काफी सारी चेस मिली जिसके अंदर से हमें कुछ ब्रेड्स मिले कुछ पोटेटो मिले एंड साथ ही कुछ एम्ब्रेड भी मिले एंड कई दिन तक ट्रेवल करने के बाद गैस फाइनली में अपने मैंशन में के पास पहुँच चुका था जहाँ पे पहुंच के गैस मैंने देखा की अपने मैंशन में क्या पता कैसे आग लग गई थी एंड जैसे मैं मैंशन के अंदर गया अपना मैंशन बहुत बुरे तरीके से जल रहा था यहाँ पे यहाँ के सारे लोग भी बहुत बुरे तरीके से जल रहे थे एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मैंने देखा कि हमारा फार्म भी टोटली जल के पूरा खराब हो चुका था एंड जैसे मैं अपने रूम में गया वहाँ पे भी गैस बहुत गंदी तरीके से आग लगी हुई थी हर चीज बहुत बुरी तरीके से जल रही थी एंड अब अपना एक ही टारगेट था कि यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट सामान है उसे लेके यहाँ से फटाफट से निकल जाओ वरना कुछ ही देर में अपना सारा सामान भी जल जाएगा इसलिए यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट सामान थे उन सबको मैंने फटाफट से ले लिया एंड उसके बाद आग से बचते बजते मैं सीधा मैंशन से बाहर आ गया एंड उसके बाद मायूस हो कि मैं सीधा निकल गया एक नई बढ़िया सी जगह ढूंढने के लिए जहां पे हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके एंड चलते चलते गए फाइनली मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लेन वाला एरिया मिल चुका था जहाँ पे पहुंच के डर्ट को तोड़ के एरिया को क्लीन करने लग गया ताकि हमें एक बढ़िया सा प्लेन वाला एरिया मिल सके एंड थोड़ा बहुत एरिया प्लेन करने के बाद मैंने यहाँ पे

ली अपने लिए एक बढ़िया सा मॉडर्न हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया एंड इतने दिनों की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा मॉडर्न हाउस बन के रेडी हो चुका है आप लोगों को ये हमारे प्यारे से घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके लिए नया बनाया जाए जिसके लिए मैंने काफी देर तक पानी डाल के लिया एंड साथ ही मुझे सा कुछ शुगर भी मिल गया जिसे भी मैंने ले लिया एंड उन सबकी हेल्प से मैंने अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा वीट का एंड शुगर का फार्म बना दिया जो की काफी ज्यादा बड़ा नहीं था बट स्टिल अपने लिए काम आएगा एंड अपना फार्म बनाने के बाद मुझे यहाँ पे पास में एक बड़ी सी केव मिल चुकी थी जिसके अंदर में फटाफट से चलेगा माइनिंग करने के लिए केव के अंदर पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ से काफी सारा कोल मिल गया जिसे मैंने ले लिया एंड थोड़ा आगे बढ़ते साथ ही मुझे यहाँ से काफी सारा आयरन भी मिल गया जिसे भी मैंने फटाफट से माइन कर लिया एंड उसके बाद पानी की हेल्प से मैं आ चुका था केव के अंदर एंड केव के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे और भी भर भर के काफी सारा आयरन मिला एंड साथ ही मुझे आगे लैपिसजूली मिला काफी सारा गोल्ड मिल गया जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन कर लिया एंड मैं गोल्ड माइन करके आगे बढ़ी था कि तभी यहाँ पे मुझे कुछ डायमंड दिख गए जिनको माइन करने पे यहाँ से मुझे टोटल पांच डायमंड मिल गए एंड आगे के मुझे और भी भर भर के काफी सारा आयरन मिला काफी सारा गोल्ड मिला काफी सारे डायमंड मिले जिनको मैं एक एक करके फटाफट से माइन करते जा रहा था क्योंकि हमारा मोस्टली काफी सारा सामान अभी भी मेंशन अंदर ही छूट गया था एंड अब अपने पास कोई भी iron, कोई भी भी आयरन गोल्ड नहीं था इसलिए मैं डायमंड के साथ आयरन गोल्ड रेड स्टोन और लेपिस को भी माइन करते जा रहा था क्योंकि अभी अपने पास इनके काफी ज्यादा कमी थी एंड ऐसे कई दिनों तक तगड़ी माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ चुका था एंड मेरे पास हो चुके थे टोटल फिफ्टी सिक्स डायमंड जिससे लेकर मैं सीधा पहुंच चुका था अपने घर पे अपने घर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले डायमंड की हेल्प से अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर प्रिपेयर कर लिया एंड जो भी मेरे पास आयरन और गोल्ड थे उसे मैंने फटाफट से स्मेल करने के लिए रख दिया एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था nice. एंड उसके बाद जो भी डायमंड अपने पास बच चुके थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बाकी के डायमंड के टूल्स बना लिए एंड मैं फिर से आ चुका था के में काफी सारा ऑप्शन माइन करने के लिए ताकि हम अपने लिए एक नेदर पोर्टल और एक इंचरमेंट टेबल सेटअप कर सके इसलिए मैंने फटाफट से सारे ऑप्शिडेंट को माइन कर लिया एंड काफी सारा ऑप्शन माइन करने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए एक बड़े ऐसा नेदर पोर्टल बना के उसे मैंने लाइट अप कर दिया एंड उसके बाद मैंने फटाफट से अपने लिए एक इंचमेंट टेबल बना लिया एंड लकी में से जो है बुक संभाल के लेके आ चुका था उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से सारे बुक बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने इंचरमेंट टेबल को मैच लेवल पे सेटअप दिया एंड अब बार अपने पूरे आर्मर्स और टूल्स को इंसान करने की जिसके लिए मुझे एक्सपीस की जरूरत थी एंड सबसे फास्ट तरीका है एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए इसलिए मैं देर तक काफी, काफी कलेक्ट कर लिया and उसकी से मैंने एक एक करके अपने फटाफट से सारे को करना स्टार्ट कर दिया जिसमे मुझे काफी अच्छी इंच मिली एंड क्यूंकि मैं सारे टूल्स को दिया एंड मेरी एक्सपीस खत्म हो चुकी थी इसलिए मैं फिर से लग गया था माइंड करने में काफी देर तक काफी सारे कलेक्ट कर लिया

किया एंड थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे ब्लेस का स्पॉनर भी मिल गया था जहाँ पे पहुँच के मैंने एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इना ब्लेज रॉड मिल सके एंड काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे तीन डायमंड मिले और एक फ्रेंट स्टील मिला एंड आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे दो और डायमंड मिले और दो और ऑक्सीडन मिले एंड थोड़ा की बढ़ते मुझे यहाँ से काफी सारे नेदर वॉर्ट मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया एंड आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे दो और डायमंड मिल गए एंड पूरी फोटोस को अच्छे तरीके से लूटने के बाद मैं सजा निकल गया अपने घर के लिए अपने घर पहुंचते ही मैंने अपने घर के बाजू में एक छोटा सा एरिया खोद दिया एंड वहाँ पे सोलशन लगा के मैंने सारे नेदर वर्ट्स को रिप्लांट कर दिया ताकि मुझे और भी नेदर वॉट मिल सके एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे

कुक कर लिया एंड उसके बाद आया फेंडर की हेल्प से मैंने स्ट्रॉगोल के डायरेक्शन को ढूंढ लिया और उसकी हेल्प से मैं निकल गया स्ट्रॉगोल को ढूंढने के लिए एंड डाउन करने लग गया एंड थोड़ी देर में हमें भी मिल चुका था, जहाँ पे आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे एक डायमंड मिला एंड आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे कुछ आयरन और कुछ ब्रेड मिल गए बाजू में यहाँ मुझे बड़ी लाइब्रेरी मिल चुकी थी जहाँ पे पहुंच के मुझे चेस्ट मिली जिसमें मुझे थॉर्न टू की बुक मिली प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन की बुक मिली और एक लॉक ऑफ दी थ्री की बुक मिली एंड दूसरी चेस में से यहाँ से मुझे एक फ्लेम की बुक मिल गई एंड साथ ही एक फेदर फॉलिंग की बुक मिल गई जिसमें से मैंने फ्लेम वाली बुक अपने बो पे लगा दिया एंड फेदर फॉलिंग और, और वाली बुक मैंने अपने बूट्स पे लगा दिए एंड फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे आई एफ को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड गैस अब बारी आ चुकी थी ईवोकर बन गई एंड ड्रैगन को हराने की इसलिए मैं फटाफट से निकल गया एंड के लिए एंड मैं पहुंचता ही गैस मैंने बिना देरी करते हुए एक

सो so, इसी के साथ गैस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया है हंड्रेड डेज एज एन एवोकर जिसको सर्वाइव करने में गैस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उम्मीद करते गए आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो पर मैं गैस एम करता हूँ फोर लाइक्स का आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है बट मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कम्प्लीट कर दोगे एंड गाज वी आर वेरी क्लोज टू हंड्रेड के सब्सक्राइबर तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो सो so, मिलते गए अगली वीडियो में टिल देन गुड बाय